जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट लेते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा प्रोपोर्शन का है। प्रोपोर्शन का चैप्टर अगर सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीएसएस एबिलिटी में अगर आप लोग पास्ट पेपर देखेंगे तो 2017 और 2020 में आपको प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगर हम लोग वन पेपर की बात करें, जैसे एसपीएससी की बात करें, पीपीएससी की बात करें, या इसी तरह जो बाकी वन पेपर हैं जैसे एनटीएस के कुछ पेपर हो गए, गैट जनरल हो गया, या अभी हम लोग इसको भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सीएसएस का जो स्क्रीनिंग आ रहा है, स्क्रीनिंग में भी आपको पता है सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप होंगे, वहां पे आप लोगों को प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन आप लोगों के किस तरह के आते हैं, इसमें ये नरेशन वगैरह, इसमें आप लोगों के कैसे स्टेटमेंट आते हैं, जिसके अंदर लेबर की बात करेगा, टाइम की बात करेगा, यानी कि पहले इतने मजदूर हैं, इतनी लेबर है, इतने वर्कर है, इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर यही वर्कर अगर हम कम कर दें या वर्कर अगर हम लोग बढ़ा दें तो वो काम कितने दिनों में कम्प्लीट होगा, या उसमें फिर आप लोगों को तीन तीन वैल्यूज पर दे देता है, जैसे पाँच मजदूर हैं वो 30 मीटर की दीवार 8 दिनों में बना रहे हैं, 5 दिनों में बना रहे हैं, अगर वही अगर 5 के बजाय अगर 10 अगर मजदूर हो जाए 50 मीटर दीवार कितने टाइम में बनेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है सारे ये हमारे वन पेपर्स में भी आते हैं, सीएसएस में भी आए हुए हैं, सीएसएस स्क्रीनिंग में भी आ सकते हैं। ये आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को जरा इसका थोड़ा सा दे लें, इसके रूल्स क्या क्या है। इसमें आपके पास अगर आप पेज नंबर ये 42 पे देखोगे ना, वहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। इसमें आपके पास दो बेसिक जो रिलेशन आएंगे, एक आएगा डायरेक्ट रिलेशन और एक आएगा इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप लोगों ने छोटे जो क्लासेस 8, 9, 10 तो उसमें आपने फिजिक्स में भी आपने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ये मैं उर्दू में लिखूंगा, कि अगर एक शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, यानी इसके अंदर एक जैसा रिलेशन होता है कि अगर एक शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक शेयर की वैल्यू कम होगी तो दूसरी की वैल्यू भी कम होगी। इसमें आप लोग एरो इस तरह आप लोग लगाते हो कि एक अगर एरो ऊपर है तो दूसरा एरो भी फिर ऊपर ही होगा, अपवर्ड होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपके पास टाइम एंड प्रोडक्शन के एक एग्जाम्पल है, टाइम और प्रोडक्शन दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, डायरेक्ट रिलेशन है। टाइम ज्यादा दोगे प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी, टाइम कम दोगे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, दूसरा इसमें जो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन की हम लोग पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या है इनवर्स रिलेशन। अगर एक शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, इसी तरह अगर एक शेयर की वैल्यू कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, या मैं लिख देता हूं वाइस वर्सा, यानी कि इससे उलट, अगर एक शेयर की वैल्यू कम होगी दूसरी बढ़ जाएगी। इसमें हम लोग एरो इस तरह लगाते हैं कि एक एरो अगर अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो दूसरा एरो इसमें आप लोग डाउनवर्ड आप लोग लगाओ, एक एरो अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड, ये इनवर्स रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू बढ़ रही दूसरी कम, या एक की वैल्यू कम हो रही दूसरी बढ़ जाएगी। इसमें हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं लेबर एंड टाइम। लेबर और टाइम हमेशा इनवर्स रिलेशन में होते हैं। लेबर बढ़ाओगे ना काम जल्दी खत्म हो जाएगा,
टाइम कम हो जाएगा, लेबर अगर कम करोगे वही काम ज्यादा देर में जाके कंप्लीट होगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो ये आपस में इन्वर्स रिलेशन, तो डायरेक्ट और इन्वर्स का रिलेशन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन में जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनमें हमारे पास कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन इसमें इस्तेमाल होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा लेबर, उसके बाद आएगा टाइम, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन। लेबर, टाइम और प्रोडक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि लेबर में क्या क्या इन्वॉल्व, यानी लेबर में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लेबर कैटेगरी में आएंगे। जैसे वर्ड आ गया वर्कर, ये लेबर में आएगा, पर्संस, मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, ये तो हो गया वर्कर, पर्सन, मैन, वुमेन। आपको प्रोफेशन अगर देखा जाए तो जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, नर्सेज हो गए, एनी प्रोफेशन। हम लोग ये लिख सकते हैं कि एनी प्रोफेशन सारे लेबर में है। इवन दैट अब जहां पे मैंने बुक में मैंने मेंशन किया हुआ है जो मशीनरी है वो भी लेबर ही है, मशीनरी भी लेबर में आएगी। वर्कर आप बढ़ाओगे काम जल्दी खत्म होगा, वर्कर भी जाकर आप मशीनरी बढ़ा दो फिर भी काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मशीनरी एज अ लेबर काम करती है। अच्छा, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है टाइम। टाइम में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, टाइम में आपके पास डेज, आवर्स, वीक, मंथ, ईयर्स, इसके बाद अगर आवर्स के लिहाज से अगर देखा जाए मिनट भी आ सकते हैं और सेकंड भी आ सकते हैं। ये अंडरस्टूड है, ये सारे वर्ड्स हमें टाइम की तरफ हमें लेके जाएंगे कि ये टाइम में आएंगे। अच्छा, प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी फील्ड है। प्रोडक्शन में आप कह लो कि कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, कोई रोड बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे कोई प्लास्टिक आइटम बन रहा है, प्रोडक्शन है, कोई लोहे की आइटम बन रहा है, प्रोडक्शन है, मोबाइल फोन बन रहे हैं, प्रोडक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ें बन रही, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसको हम लोग मतलब यहाँ पे लिखना चाहें तो वो हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसमें हम लोग सिंपली ये हम लोग लिख देते हैं कि प्रोडक्शन में अदर देन लेबर एंड टाइम, अदर देन लेबर एंड टाइम, लेबर और टाइम के अलावा जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्शन, उसको हम लोग प्रोडक्शन में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब ये जो मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अब इन तीन कॉम्बिनेशन के मैं आपस में इनके रिलेशन देखूंगा कि इनके आपस में इनके रिलेशन क्या बने। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया था टाइम और प्रोडक्शन डायरेक्ट रिलेशन की एग्जाम्पल आपको बताई थी, लेबर और टाइम आपको इन्वर्स रिलेशन की एग्जाम्पल बताई थी। अब हम लोग इनके रिलेशन देखते हैं कि इनके आपस में इनके रिलेशन क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले अभी हम इनका रिलेशन हम लोग चेक करते हैं कि पहले रिलेशन है लेबर और टाइम का रिलेशन क्या होगा। लेबर एंड टाइम, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था लेबर और टाइम का आपस में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन कहते अगर मैं लेबर इंक्रीज करूंगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी टाइम कम हो जाएगा, और अगर मैं लेबर कम करूंगा तो वही काम ज्यादा देर में जाके कंप्लीट होगा, टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो रिलेशन आएगा वो आएगा लेबर एंड प्रोडक्शन का। ये बेटा देख लो, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पूरे चैप्टर के एक ना डिटेल आपको बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट में बता रहा हूँ उसके। अभी मैं चैप्टर की तरफ अभी आपको मैं नहीं लेके गया, अभी आपको बेसिक रूल्स मैं सिखा रहा हूँ सारे। लेबर एंड प्रोडक्शन ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। मसलन लेबर ज्यादा करोगे प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा आपको मिलेगी, लेबर अगर कम कर दोगे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी,
जैसे अगर मैं अपने इस एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ, तो अगर मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, मेरे प्रोडक्शन अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी। स्टूडेंट अगर कम होंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, स्टूडेंट एज अ लेबर। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो रिलेशन आता है वो आता है टाइम एंड प्रोडक्शन का। ये क्या होता है? ये भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? टाइम अगर ज्यादा दोगे प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी, टाइम कम दोगे प्रोडक्शन भी कम मिलेगी। मैं अगर अपने एबिलिटी सेंटर जो मैंने बनाया उसको अगर मैं टाइम अगर अच्छा दूंगा, स्टूडेंट भी अच्छे आएंगे, यानी कि प्रोडक्शन भी होगी। अगर मैं टाइम नहीं दूंगा, अगर उनको क्लास से मतलब मैं कह लो कि अकेडमी बंद करके बैठ जाऊँ, उस पर प्रोडक्शन पर नहीं होगी। तो कोई भी आपके पास प्रोडक्शन है, चाहे आपको कोई फैक्ट्री है, कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, अगर आप उसको टाइम आप दोगे तो प्रोडक्शन आपको मिलेगी, टाइम नहीं दोगे तो प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो ये जितने भी तीन आपको मैंने रिलेशन जो बताए हैं, ये तीन रिलेशन ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर तो आप लोगों को याद होंगे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मैं एक चीज को मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तो आप लोगों को ये तीनों रिलेशन याद होंगे, तो मेरी गारंटी है कभी इंशाल्लाह तो आप लोगों का ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स मैं स्टूडेंट्स को एक और भी गारंटी देता हूँ कि अगर ये तीन रिलेशन याद नहीं होंगे तो कभी क्वेश्चन सही भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर ये तीन रिलेशन भी आप लोगों के लगते हैं, और इन्हीं रिलेशन को लगाते हुए, इन्हीं को फाइंड आउट करते हुए, इन्हीं को आप लोग सॉल्व करते हो, आप लोग मिस्टेक हो जाती है। अगर कहीं पे इन्वर्स रिलेशन बने, हम उसको डायरेक्ट बना देते हैं, डायरेक्ट बने तो हम उसको इन्वर्स बना देते हैं, और फिर वो एरो गलत लगते हैं। अगर एरो अगर गलत लगा, क्वेश्चन गलत हो गया। तो जब तक आपको ये तीनों रिलेशन याद नहीं होंगे, आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता। ये तीन रिलेशन अभी आप लोगों ने अपने सामने रखने हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ 43 पे आ जाए, जहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अभी हम लोग चलते हैं। ये अभी आप लोगों ने अपने सामने आप लोगों ने रखने हैं ये रिलेशन वगैरह। जी मदिया बेटा, क्वेश्चन बेटा माइक आपके ऑन है बेटा, क्वेश्चन कर लो। तो ये आप प्लीज लेबर एंड टाइम जो है ये इसका समझा देंगे, जो इनवर्स रिलेशन पहला वाला है मुझे समझ नहीं आया। हाँ बेटा देखो ना, आपने फॉर एग्जाम्पल आप कोई अपना को घर को बनवा रहे हो, ठीक है, आपने मजदूर आपने लगाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 आपने मजदूर लगाए हुए हैं, और वो जो 10 मजदूर हैं, मैं कहता हूँ कि जी वो 3 महीने में जो काम को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ये 3 महीने तो बहुत लेट हो जाएगा काम, मैं काम करती हूँ कि मैं 10 की बजाय मैंने यहाँ पे ना 20 मजदूर या 25 मजदूर लगा देती हूँ, तो क्या होगा? वो काम जल्दी नहीं खत्म, कम्प्लीट जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा ना। इसका मतलब लेबर अगर आप लोग इंक्रीज करोगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब टाइम आपका कम हो जाएगा। समझ आई मदिया बेटा? ओके क्लियर। या वही अगर आप लोग लेबर अगर आप कम आप कर देते हो तो वो ज्यादा देर में जाके काम कंप्लीट होगा। आई होप सो अभी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ 16 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स टू फिनिश द सेम जॉब। अब ये जो पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अब आपके 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक वर्कर आ रहा है और एक टाइम आ रहा है, आवर्स आ रहे हैं। तो इसमें जब आप लोग इनको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हुए भी आप लोगों ने एक 2 बेसिक रूल्स का आपने ध्यान रखना, वो रूल्स में भी आके आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें इसमें क्या चीज आ रही है, वर्कर और आवर्स। वर्कर आ गए यहाँ पे, आर लिख दें, आर टाइम में आएगा और वर्कर लेबर में आएगा। ठीक है। अच्छा अब हम लोग इनकी पुटिंग करते हैं। पहले कितने वर्कर थे? 16 वर्कर से एक काम को 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। अब वही क्वेश्चन है कि अगर वही 16 के बजाय अगर 5 वर्कर हो जाएं, काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, एक्स, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने एक 2 बेसिक रूल्स का ध्यान रखना है वर्किंग के दौरान, जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो क्या है। सबसे पहला जो रूल आप लोगों ने याद रखना है कि जो वैल्यू मालूम करनी है
जो वैल्यू मालूम करनी है उसे हम राइट पे लिखते हैं। उसकी रीजन क्या है वो भी आगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा रूल क्या होगा, ये कैलकुलेशन का रूल आप कह ले। दूसरा रूल ये है कि जो वैल्यू मालूम करनी होगी उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखना है। जो भी वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है ना, उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखना है। अब ये देखिएगा, सबसे जो पहला जो रूल था, सबसे पहले रूल में क्या कहा जा रहा है कि जो वैल्यू मालूम करनी है उसे राइट पे लिखना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब हम लोगों ने टाइम मालूम करना था, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक फाइव वर्कर्स टू फिनिश द जॉब। एक तो टाइम को मैंने राइट साइड पे लिख दिया आवर, तो दूसरा रूल यह जो वैल्यू मालूम करने उसका एरो ऊपर रखना है। अब इसका एरो अब आप लोग ऊपर की तरफ आप लोग फिक्स कर देंगे। अब ये देखें, सबसे जो पहला जो रूल है कि मैंने उसको राइट साइड पे क्यों लिखा, राइट साइड पे इसलिए क्योंकि ये तो अभी सिर्फ दो कम्बिनेशन आ रहे हैं, आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें तीन तीन कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, और उन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा जो हमने वैल्यू हमने मालूम करनी है हमेशा इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आना चाहिए। इसलिए हम लोग इस जो आवर है या लेबर है या प्रोडक्शन जो भी आपने मालूम करनी है उसको हमेशा हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे ताकि वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे आ जाए, यानी कि वो टोटली अलहदा आ जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको राइट साइड पे लिखते हैं। अब दूसरे जो रूल है कि जो वैल्यू मालूम करना उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखना, उसकी लॉजिक है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि उसको हम लोग हमेशा अपवर्ड क्यों रखेंगे। देखें, मैंने इसके एरो मैंने ऊपर मैंने कर दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे रिलेशन आप लोगों ने चेक करना है, इसका रिलेशन क्या है मुझे बताएं, टाइम और वर्कर का रिलेशन क्या होता है, तो मुझे बताएगा शाबाश। डायरेक्ट सर, इनवर्स इनवर्स सर, इनवर्स इनवर्स सर। हाँ शाबाश, टाइम और वर्कर, वर्कर आएगा लेबर में, टाइम और लेबर हमेशा इनवर्स होता है, तो इनवर्स की वजह से मैंने इसका एरो नीचे कर दिया। अब ये देखो, यहाँ पे एक एरो अपवर्ड है तो दूसरा एरो डाउनवर्ड है। दूसरा एरो डाउनवर्ड क्यों किया, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था ना कि दूसरा रूल क्या है कि जो वैल्यू मालूम का उसका एरो हमेशा अपवर्ड क्यों रखना है, अब आप लोगों को इसकी वजह पता चल गई होगी। वो इसलिए क्योंकि एक एरो हमेशा हम लोग अपवर्ड रखते हैं रिलेशन चेक करने के लिए कि अगर हम इसको अपवर्ड हम रखेंगे ना, तो अगर तो इसका रिलेशन दूसरे के साथ अगर तो डायरेक्ट बन रहा है तो फिर ये एरो भी ऊपर चला जाएगा दूसरा एरो, अगर तो इसका रिलेशन इनवर्स बन रहा है तो ये वाला एरो डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन में हम लोगों ने चेक करना है कि इसका रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है, समझ आ गई। अब इससे पहले इस केस को समझने से पहले, इट माइट पॉसिबल, हो सकता है आप में से बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पेपर में ये वाले क्वेश्चन आप लोग करते भी होंगे, लेकिन पेपर में हमेशा आप लोग वैल्यूज देखते होंगे कि कौन सी वैल्यू कम हो रही है कौन सी वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू कम होने पे एरो नीचे कर दो या एरो ऊपर कर दो, वैल्यू बढ़ने पे एरो ऊपर कर दो एरो नीचे कर दो, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, उसमें आप लोगों का क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब इंशाल्लाह आपको जो तरीकाकार मैंने बताया इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को ये वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 16 से 5 पे वैल्यू आ गई, 16 से 20 पे आ गई, 16 से 25 पे आ गई। आप लोगों ने सिर्फ ये वाले वर्ड्स पर आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड क्या है, ये टाइम है ये लेबर है, टाइम और लेबर आपस में इनवर्स, इनवर्स की वजह से एक एरो आपने ऊपर रखा था दूसरा एरो नीचे हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, देखे जहां से एरो स्टार्ट होगा ना, ये देखो ये कहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, 16 से, 16 को ऊपर रखना है, यानी कि जहां से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू आप लोगों ने फ्रैक्शन में ऊपर रखनी है। अच्छा, इज इक्वल टू यहां से एरो स्टार्ट हुआ एक्स से, एक्स को आप लोग ऊपर रखते हैं। तो ये आप लोगों ने तीसरा रूल आपने क्या याद रखना है, ये तीसरा रूल मैं यहाँ पे आप लोगों का लिख भी देता हूं। तीसरा रूल ये है कि जहां से एरो शुरू होगा, जहां से एरो शुरू होगा वो वैल्यू
फ्रैक्शन में ऊपर रखने, यानी कि न्यूमिनेटर की जगह पर रखने, ऊपर वाले न्यूमिनेटर कहते हैं, ऊपर रखने। अब ये देखिए आपके के नीचे पांच, जी x के नीचे पांच, ये तीन नहीं आएगा? हाँ सॉरी माय मिस्टेक, राइट, शाबाश, गुड, x के नीचे तीन आएगा, शाबाश, जज़ाकअल्लाह। अच्छा x के नीचे ये तीन आ गया। अच्छा अब आप लोग इसकी ये एक मिनट ठहरे, मैं इसको ब्लैक में लिखूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छा अब ये देखें, अब आप इसको, सॉरी मैंने दोबारा फाइव लिख दिया, सॉरी। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू 48 अपॉन 5, आपका आंसर आएगा 9.6 आवर्स। 48 को अगर आप 5 पे आप डिवाइड करते हैं ना, 5 9 45, 3 बज के ऊपर पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, 5 6 30। तो आई एम श्योर आप लोगों को इसके जो पहले मैंने बेसिक रूल्स मैंने बताए थे वो भी आपको समझ आए होंगे, जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया ये भी आपको समझ आया होगा। मुझे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद मुझे करके देना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 रख कीजिएगा, शाबाश जी मदिया बेटा। क्वेश्चन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखिए अब वर्कर्स है ना, अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो खत्म हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा, तो फिर ये बेटा आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। अच्छा बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, सही क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करें, शाबाश। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को रूल्स देखने में ताकि आपको आसानी रहे। ये इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे क्वेश्चन देखने में। ये ले क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैन की बात कर रहा है और डेज की बात कर रहा है, शाबाश। सर 54 आंसर है। हाँ जी ओके ठीक है, बाकी भी इसको शाबाश मुझे जरा बताएं। हाँ ठीक है फरमान, शाबाश, ठीक है भाई, ओके जाहिद भाई, ठीक है शाबाश, आसिम भाई बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। बस तीन शाते आगे, ओके ठीक है 54, ओके ठीक है। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 8 तक आप लोगों के सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा बेटा काइंडली अपना माइक ऑफ कर लिया करें, आसिम बेटा अपना माइक ऑफ कर लो जब आप क्वेश्चन कर ले, शुक्रिया जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है ना वो आप लोगों के सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आप लोगों के सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 8 तरह करके देना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ रहा है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे तरह करके दें, शाबाश। आज की क्लास में एक तो आप लोगों को मैं एक जैसे क्वेश्चन में बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एक जैसे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक है, फिर आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 से जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये जो क्वेश्चन आएंगे जी आपके पे तीन तीन वैल्यूज के आएंगे जिनको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, वो आगे हम करेंगे। मुझे जरा 8 का जरा
आंसर बताएं। अभी तक आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। सर 50 इज द आंसर। ओके बेटा मैं अभी इसको ओके मैं अभी डिस्कस अभी करता हूं। अच्छा ये आप सबका आंसर 50 आ रहा है, मुझे सिर्फ बस एक चीज पर बताइएगा सर, राइट साइड पे लिखना है फाइंड करना जी। मुझे सिर्फ आप लोगों ने एक चीज पर बतानी है कि ये इतना जो आसान सवाल है, इतना आसान सवाल आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद क्या है, इतना आसान सवाल आप लोगों से डिस्कस करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई लॉजिकल पॉइंट छुपा हुआ है जो कि आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सके। इसका आंसर 50 नहीं है, आंसर की में इसका आंसर है, चेक कर ले शाबाश। उसके बाद दोबारा फिर मुझे बताएं इसमें क्या मसला है क्वेश्चन में, शाबाश। आंसर की में आंसर देखे, आंसर आपका 35 आ रहा है। आप मुझे कुछ समझा सकते हैं कि इसका आंसर 35 क्यों है? चले एक काम करते हैं, मैं पहले ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करता हूँ क्योंकि मैं क्लास को जरा ताकि आप लोगों के लिए भी ताकि आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 15 मैन वर हायर टू प्लग अ पीस ऑफ लैंड इन 10 डेज, 15 आदमी 10 दिनों में एक पीस ऑफ लैंड को वो सराब करते हैं। फिर कहता है हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 3 डेज। अब यहाँ पे अब आप लोगों ने मैन रिक्वायर्ड है तो मैन को आप लोग राइट साइड पे रखेंगे और यहाँ पे आप लोग डेज को लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखोगे, डेज लेफ्ट पे आ गए और मैन राइट साइड पे आ गए, जो आपने मालूम करने हैं। अच्छा पहले डेज कितने थे, 10 डेज और 15 मैन। अब वो कहता है कि अगर 3 डेज अगर हो जाएं तो कितने मैन इसमें रिक्वायर्ड होंगे। ये एरो ऊपर, आप लोगों को पता है मैन और डेज, मैन और डेज हमेशा इनवर्स में आते हैं, ये एरो नीचे। अच्छा यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ 10/3 = यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ x/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ गया 3x = 10 × 15 मतलब 150 और x = 150/3 x = 50 यानी कि 50 डेज आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे मेरा जो आंसर 50 डेज आया ना, एक्चुअल में अगर मैं कैलकुलेशन अगर करूँ मेरा आंसर वाकई में ही 50 डेज आता है, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 50 मैन ही रिक्वायर्ड है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन की नरेशन अगर आप दोबारा पढ़ो ना, उसने ये नहीं कहा हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, उसने क्वेश्चन में ये कहा है हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड। क्या पूछा है, हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड। तो आपको अगर टोटल अगर 15 मैन, अच्छा सॉरी डेज में लिखा है 15 मैन है, अगर आप लोगों को टोटल 50 मैन अगर रिक्वायर्ड है ना टोटल, तो इसका मतलब 15 तो ऑलरेडी आपके पास काम कर रहे हैं ये वाले, अब आपको और कितने चाहिए। अगर टोटल अगर आपको 50 चाहिए, 15 ऑलरेडी वर्किंग में हैं, आपको और कितने चाहिए कि 50 कंप्लीट हो जाएं, आपको और चाहिए 35, 50 में से 15 माइनस करें तो ये 35 मोर मैन आर रिक्वायर्ड। आप क्वेश्चन के समझ आए स्टेटमेंट की, लेकिन जो इतना उसने आसान सा क्वेश्चन जो दिया है इसके अंदर उसने स्टेटमेंट उसने ऐसे गवा दिया है कि यहाँ पे हम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। हम लोगों ने 50 हमने राइट आंसर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास कैलकुलेशन में 50 आ रहा है, एक्चुअल में हमें 50 ही चाहिए, 15 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो हमें और कितने चाहिए कि 50 कंप्लीट हो जाए, 35 हमें और चाहिए। ये पॉइंट इसमें समझने वाला है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पेपर्स के अंदर भी आप लोगों ने बड़ा मोहतात रहना है, इस तरह के स्टेटमेंट आप लोगों को वहां पे भी आपको जिसको कहते हैं ना आपको धोखा दे सकती है, आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में डालने का मकसद यही है ताकि फ्यूचर के लिए, ताकि आप लोग प्रिपेयर हो, फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन दोबारा दे सकता है। अच्छा जी अब हम लोग आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से जो आपको मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 20 तक ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 वैल्यूज वाले, जिनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये जो अभी 2 वैल्यूज वाले क्वेश्चन थे ये सिंपल प्रोपोर्शन थे, अब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर नाइन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है फाइव वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 60 मीटर्स इन 2/3 ऑफ अ डे. पांच वर्कर्स 60 मीटर की दीवार एक दिन के 2/3 हिस्से में बनाते हैं. फिर कहता है इफ थ्री मोर वर्कर्स स्टार्ट वर्किंग, अगर तीन वर्कर और भी उनके साथ काम में शरीक हो जाएं, देन हाउ मच टाइम इन आवर्स, तो फिर कितना टाइम लगेगा घंटों में दे विल टेक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 50 मीटर, अगर उन्होंने 50 मीटर की दीवार अगर बनानी हो. अब सबसे पहले हम लोग जब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे जो पहले हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है वो हम ये देखते हैं कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग टोटली हम लोग साइड पे लिखते हैं राइट साइड पे, वो हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है आवर्स यानी कि टाइम. तो आवर्स को मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ, बाकी जो दो वैल्यूज है उनको जिस तरह मर्जी लिख दो, चाहे आप उसको वॉल और मैन लिख दो, चाहे आप उसको मैन और वॉल लिख दो, नो इशू. यहाँ पे आप लोग वर्कर लिख दें, यहाँ पे आप लोग वॉल लिख दो जो तीसरी वैल्यू आ रही है. आप चाहे आप वॉल को इधर लिख के वर्कर को इधर लिख दो, वो कोई इशू नहीं है क्योंकि इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है. जब हम कैलकुलेशन करेंगे फिर आपको मैं दोबारा बताऊंगा, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है. अब हम इनके वैल्यूज पुट करते हैं. फाइव वर्कर्स 60 मीटर की वॉल है और कितने टाइम में बनाते हैं, 2/3 ऑफ अ डे. लेकिन आंसर आगे उसने पूछा आवर्स में, हाउ मच टाइम इन आवर्स. तो दैट इज वाई हम लोगों को 2/3 ऑफ अ डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में. तो मुझे को बता सकता है कि 2/3 ऑफ अ डे कितने घंटे बनेंगे? 2/3 शाबाश, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अ डे, डे मीन्स 24 आवर्स, तो ये बनेंगे 16 आवर्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन में कहता है इफ थ्री मोर वर्कर स्टार्ट, अगर तीन वर्कर और भी आ जाए यानी कि 8 हो गए, कहता है कितना टाइम लगेगा एक्स जबकि दीवार बनानी है 50 मीटर की. ठीक है, इंफॉर्मेशन में इनपुट कर दी, होप सो ये सबको समझ आई होगी. अब पहला रूल क्या है, जो वैल्यू मालूम करनी है उसको राइट साइड पे लिख दिया, ओके. अब दूसरा रूल क्या है, जो वैल्यू भी मालूम करनी है उसका एरो ऊपर करना है. अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में टाइम ही मालूम करना हो. जो पहले हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन किए ना, और आगे भी जो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्टली उनमें क्वेश्चन वो आ रहे हैं जिनमें आप लोगों ने टाइम मालूम करना है. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में टाइम ही मालूम करना हो. जरा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा. 14 में कहता है जी सर, ये आपने जब वर्कर लिखे हैं तो आपने 3 ऐड करके 8 लिख दिए हैं, तो जब आप वॉल में लिख रहे हैं तो तब आप 50 ही रखते हैं, उसको क्यों नहीं ऐड होगा? बेटा उसने ये तो नहीं कहा ना कि 50 मीटर और भी उसने दीवार उसने बनाई है. उसने ये कहा है कि पहले 60 मीटर थी, अब उन्होंने 50 मीटर उन्होंने बनानी है. ठीक है, ये 8 कैसे आया ये सवाल है. उसने कहा थ्री मोर वर्कर, तीन और भी वर्कर शामिल हो गए. मेरी क्लास में पहले 5 बच्चे थे, दूसरे दिन 3 बच्चे और भी आ गए, मेरी क्लास कितनी हो गई? 8 की हो गई ना, 3 वो मोर वर्कर उसमें मैंने ऐड कर दिए. ठीक है. अच्छा, अब ये देखिएगा कि मैं अपने आप लोगों को क्या बात बताने लगा था वो बीच में रह गई. अब आप लोगों ने इसको ये आप लोगों ने फाइंड आउट करने इसके, हाँ शाबाश जजाकला बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता रहा हूँ कि 25 टेलर्स कैन मेक 35 ड्रेस इन वन डे, हाउ मैनी ड्रेसेस. अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी ड्रेसेस, यानी कि मैं आपको ये मैं बता रहा था कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपने टाइम ही मालूम करना हो. अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों ने प्रोडक्शन मालूम करनी है ड्रेसेस. इसी तरह क्वेश्चन नंबर अभी आपको जो मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आप लोगों ने मैन मालूम करने थे, मैन मतलब लेबर. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 18 पढ़ें, 18 में ये कहता है इफ 10 मैन कैन सर्वाइव फॉर 24 डेज ऑन 15 कैंस ऑफ फूड, हाउ मैनी कैन. अब वहां पे अब आप लोगों ने कैन फाइंड आउट करने हैं. तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में टाइम ही फाइंड आउट करना, ओके. ये पॉइंट आपको मैंने बता रहा था. अच्छा, अब ये बेटा देखे कि आप लोग यहाँ पे मैंने इसका एरो मैंने अपवर्ड कर दिया. अब आप लोगों ने इसका टाइम रिलेशन फाइंड आउट करना है. मुझे बताएं ये आवर्स हैं, आवर्स टाइम में आता है. टाइम और वर्कर का रिलेशन क्या है? टाइम और वर्कर हमेशा इनवर्स रिलेशन में आते हैं. वर्कर कितना आता है? लेबर में. तो ये इनवर्स रिलेशन की वजह से
इसका एरो मैंने नीचे कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, अब एक और चीज, ये आवर्स जो टाइम है, टाइम का रिलेशन ये वॉल के साथ क्या होगा, वॉल किस में फॉल करती है, वॉल टाइम में आती है, लेबर में किस में आती है, प्रोडक्शन में। शाबाश, वेरी गुड, ये प्रोडक्शन में आएगी। अब मुझे बताओ कि टाइम और प्रोडक्शन का रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट सर, डायरेक्ट रिलेशन। अब मेरे बेटा देखो ना, ये जस्ट सिंपली आप लोगों को अगर ये रिलेशन अगर याद रहेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं गारंटी देता हूँ आपका इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को रिलेशन ही अगर सही अगर याद नहीं होंगे ना, फिर मेरे बेटा आप लोगों के ये रिलेशन गलत बनेंगे। गलत बनने की वजह से आपके एरो गलत लगेंगे, एरो गलत होंगे तो आपका एक नंबर या आपका पांच नंबर आपका जाया हो सकता है। ठीक है, मेन चीज है इसमें आप लोगों ने रिलेशन याद रखें। अब एक और जरा देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू जो फिक्स की हुई है ना, मतलब ये जो वैल्यू है, इसको हम लोगों ने जो फिक्स किया है ना एरो अपवर्ड, ये हम लोगों ने जो फिक्स किया इसका मकसद क्या है, पहले भी आपको मैंने बताया, इसका मकसद ये है कि इसकी हेल्प से हम लोगों ने रिलेशन चेक करना है। अब रिलेशन कैसे, पहले इसी के साथ इसको चेक करना है और इसी के साथ आपने इसको चेक करना है। ये याद रखिएगा, जो आप लोगों ने वैल्यू फिक्स की हुई है ना अपवर्ड, वो इसीलिए फिक्स करते हैं ताकि उसकी हेल्प से आप लोग दोनों के साथ आप रिलेशन आप चेक कर, कभी भी इन दोनों को आपस में चेक नहीं करना, वो आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमेशा जो एरो आप लोगों ने आप पढ़ रखा है उसी के साथ आप लोगों ने इनके रिलेशन को चेक करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया, जहां से एरो स्टार्ट होगा उस वैल्यू को ऊपर रखना है 50/60। जब तीन वैल्यूज आएंगे फिर दरमियान में मल्टीप्लाई आ गया, यहां से एरो स्टार्ट हुआ 5 को ऊपर रखना है, इज इक्वल टू यहां से एरो स्टार्ट हुआ एक्स को ऊपर रखना है। ये तीसरी वैल्यू हमेशा इज इक्वल टू की उस साइड पे इक्वेशन बन गई, मतलब 70-80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बेटा आप देखो, 0 कैंसिल, 5-6 से या 5-8 से कैंसिल तो नहीं होता, जब कैंसिल ना हो तो फिर हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं, वो इनको इस तरह जरब कर देते हैं, ये 5 को 8 से 5 को 6, ऐसे नहीं करना, ये तब मल्टीप्लाई करना है जब दरमियान में इक्वल टू हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और 5 25, 6 और 8 48, 48 इज इक्वल टू एक्स ओवर 16। अब बेटा अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दरमियान में इक्वल टू है, ये आ जाएगा 48x इज इक्वल टू 25 × 16, एक्स इज इक्वल टू 25 × 16/48। अब आप लोगों ने शायद ये एक चीज आप लोगों ने फील की होगी, ये चाहे प्रोपोर्शन हो, चाहे आगे अभी आप लोगों ने जो पिछला चैप्टर हमने रेशियो किया था, चाहे उससे पिछला चैप्टर परसेंटेज था, एवरेज था, वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैं हमेशा वैल्यूज को ना, मैं बड़ी बड़ी वैल्यूज में नहीं मैं लेके जाता। अब अगर मैं चाहता ना 25/16 करके इसको मैं 400 में कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इसको इस तरह क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है जब वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी, वैल्यू बड़ी तो फिर 48 पे डिवाइड करना मुश्किल होगा। यहाँ पे मुझे पता है कि 16/48 पे डिवाइड हो रहा है, मैंने 16/25 को ज़रब नहीं किया, बल्कि 16/48 को यहीं पे मैंने कैंसिल कर दिया, मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है। तो आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए, हमेशा आप लोग वैल्यूज को कट कर दिया करो। अब ये देखो 25/3, 25/3 का मतलब 8.3 आवर्स आपका राइट आंसर। आई होप तो सबको समझ आई होगी। सही क्वेश्चन को अगर ठीक कर देंगे आप ऊपर से, जो आपने एक वो बनाया था, मतलब मिडिल में से। जी बेटा ये देख लो, मैंने ये शो कर दिया, देख लो शाबाश, इसको नोट करें शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों के सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, इसको नोट करो शाबाश। आप लोगों ने ये बात याद रखना है, सबसे पहले जो वैल्यू मालूम करें उसको राइट साइड पे, आवर्स मैंने मालूम करने थे, टाइम मैंने राइट साइड पे लिखा, फिर मैंने वर्कर और वॉल लिख दिया, आवर्स जो मैंने मालूम करें उसका एरो ऊपर किया, आवर्स के साथ ही मैंने वर्कर को चेक किया, आवर के साथ ही फिर मैंने वॉल को चेक किया, वॉल आता है प्रोडक्शन में, टाइम और वर्कर का रिलेशन इनवर्स, टाइम और प्रोडक्शन का रिलेशन डायरेक्ट, इस तरह मैंने इनके एरो लगाए, फिर मैंने इनको इक्वेशन बनाई और मैंने इनको सॉल्व कर लिया। ये बेटा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग
इजिली ताकि आप इसको सॉल्व कर लो। शाबाश, नोट कर लो इसको। वैसे भी आपको पता है स्लाइड्स तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, अगर सेव अगर नहीं भी हो तो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 जरा ट्राई करते हैं। 19 एक डिफरेंट वे में क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह का ही, लेकिन उसमें उसने पी और क्यू के वर्ड उसने यूज किए हैं। इसको जरा देखते हैं ना 19 नंबर, बेटा जरा देखिएगा 19 में कहता है इफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू 12 व्हेन पी इज इक्वल टू 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इज इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन में पी और क्यू की वैल्यूज, कभी कोई वैल्यू दे रहा है कभी कोई वैल्यू दे रहा है, और फिर कहता है मुझे पी की वैल्यू बताओ। अब बेटा इसमें सबसे पहले अब ये देखो आपने क्या फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं पी को मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ, क्यू को मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ। अब हम लोग इनके वैल्यूज पुट करते हैं। पहली इसमें वैल्यूज क्या क्या है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू 12। देखो क्यू 12 है तो पी कितना है, पी इज इक्वल टू 8 है। फिर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी जबकि क्यू कितना है 15। अब आपको पता है जो वैल्यू मालूम करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरह हम लोग फिक्स करते हैं। अब मुझे को बता सकता है कि क्यू का एरो किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर सर, ऊपर। वजह बताया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बोला है। वेरी गुड, शाबाश। उसने क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बोला है इफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि हमें नहीं पता पी क्या है क्यू क्या है, लेबर है टाइम है प्रोडक्शन क्या है। अगर वो क्लियरली बताता तो फिर तो हम उसका एरो खुद भी लगा लेते। इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है तो आप इसका एरो ऊपर कर दें। अब बेटा आप इसको सॉल्व करो, 15 से एरो स्टार्ट हुआ 15 को ऊपर रखो, पी से एरो स्टार्ट हुआ पी को ऊपर रखो, पी ओवर 8। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया 12p इज इक्वल टू 15 into 8। 12 को आप लोग उधर डिवाइड कर दो, 15 into 8 upon 12, 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का जो भी आपको आता है, 4 2s are 4 3s are 4 3 5s are 5 2s are 10। पीक वैल्यू कितने आ गई, 10। बेटा नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह सॉल्व होना है, 20 नंबर वो भी देख लें, वो भी आपको मैं सॉल्व में करवा देता हूँ। मैं 20 में भी देखिएगा सेम इसी तरह क्वेश्चन कहता है If x varies directly with y square, अगर x y square के directly proportional हो, x is equal to 50, y is equal to 5, what is the value of x when y is equal to 10? आपने x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे y आ गया। अच्छा अब पहले x की वैल्यू आपको दे रहा है 50। अब यहाँ पे जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट, वो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। मैं x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू क्या होगी जबकि y की वैल्यू 10। मुझे आप में से को बता सकते हैं मैंने गलती इसमें क्या की है? स्क्वायर करनी थी y की वैल्यू। हाँ शाबाश, वेरी गुड। उसने क्वेश्चन में ये बोला है x वेरीज डायरेक्टली विद y स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, ये 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 10 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन जब बच्चों को जब मैं होमवर्क के लिए जब मैं देता हूँ ना, आज तो आपको मैं साथ में खुद में करवाई जा रहा हूँ, काफी दफा ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया तो हमेशा स्टूडेंट ये गलत करके आ जाते हैं, वो वाई के ऊपर स्केयर नहीं डालते। अब ये देखें जो वैल्यू मालूम करें उसके एरो ऊपर, दूसरा एरो किधर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने खुद बोला है एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई स्केयर। ये 10 का स्केयर ओवर 5 का स्केयर, क्योंकि यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ 10 ऊपर आएगा, इज इक्वल टू एक्स ओवर 50, 10 का स्केयर 100 ओवर 25 इज इक्वल टू एक्स ओवर 50, 25 4s are, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 से मल्टीप्लाई के x हो जाएगा और 50 इंटू 4 ये आपका आएगा 200। ठीक है जी, ओके क्लियर। यहां तक जो आप लोगों के क्वेश्चन थे जी, आपके क्वेश्चन आप कह लें कि आप लोग खुद इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 21 22 23 24, ये बड़े टफ किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको मैं गाइड करता हूँ। पहले 22 देखिएगा, क्योंकि 22 23 24 तीनों एक जाते हैं, और ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है ये 2017 के एबिलिटी के पेपर में भी आया है, इसमें भी 22 वाला ही कंसेप्ट लगा है। जरा 22 को जरा देखिएगा, 22 में सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है,
और इस तरह का कंसेप्ट नेक्स्ट टाइम आपके फिर भी आपके पेपर में आ सकता है, कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। 22 में कहता है अ गैरिजन हैज प्रोविजन फॉर 12 डेज फॉर 1000 मैन, हजार बंदों के लिए 12 दिन का उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है। फिर कहता है एट द एंड ऑफ 2 डेज, जब उन में से 2 दिन जब गुजर गए, जब 2 दिन कंज्यूम हो गए, 200 मोर मैन वर एडमिटेड, 200 बंदे और भी एडमिट हो गए। अब वो क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग विल द फूड नाउ लास्ट, बताएं वो खाना अब कितने दिन चल जाएगा। देखिए आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है ना, जो पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन जो किए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि हर कॉम्बिनेशन की 2 वैल्यूज आती हैं, एक पहले लेबर बताता है, एक दोबारा फिर लेबर बताता है बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन, एक पहली प्रोडक्शन बताता है फिर दूसरी प्रोडक्शन बताता है, एक पहले टाइम बताता है फिर दूसरा टाइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। यानी कि हर क्वेश्चन में हर कॉम्बिनेशन के 2-2 आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको डेज की इन्फॉर्मेशन आपको 3 दफा दे रहा है। कहते पहले कहता है 12 डेज, फिर कहता है एट द एंड ऑफ 2 डेज, फिर आखिर में फिर कहता है बताओ कितने डेज चल जाएगा। तो 3 दफा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये तो आप लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते 3 दफा इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि जिस क्वेश्चन में भी वो नंबर ऑफ डेज कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूम यानी कि अगर वो कहेगा एट द एंड ऑफ 2 डेज या आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 15 डेज, एट द एंड ऑफ 20, जितने दिन भी कंज्यूम होंगे उनको आप लोगों ने माइनस कर देना है, यानी कि वो आप लोगों की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। आप लोगों ने जो क्वेश्चन स्टार्ट लेना है, आपने 12 से स्टार्ट नहीं लेना, आप लोगों ने क्वेश्चन 10 से स्टार्ट लेना है। वो इसलिए क्योंकि स्टार्ट में आप देखो उसने एक एस्टिमेट लगाया था, प्रोविजन उसने एक एस्टिमेट लगाया था, वो कंफर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही 2 दिन उसमें से गुजर गए फिर उसको 100% श्योरिटी हो गई कि भाई अब ये जो बाद में जो 200 बंदे हैं, अब इसके बाद और किसी बंदे ने भी नहीं आना, अब ये जो 1200 बंदे हैं इनके लिए मेरे पास 10 दिन का ही खाना है। तो अब आप लोगों ने इसको 12 दिन के हिसाब से नहीं, आप लोगों ने इसको 10 डेज के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग डेज हमने मालूम करने हैं मैन और डेज। बेटा आप लोगों ने यहाँ पे मैन तो आ गए 1000, लेकिन बेटा यहाँ पे डेज आपने 12 नहीं लिखना है, डेज आप लोगों ने 10 लिखना है। अगर CSS एबिलिटी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए जैसे 2017 के पेपर में भी आया हुआ है, तो आप लोगों ने सेपरेटली आप लोगों ने लिख देना है कि एज 2 days has been consumed, so we use 12 - 2 = 10 days। क्योंकि आप इस क्वेश्चन के आप एंड वाली लाइन पढ़ो ना, एंड वाली लाइन से भी आपको कुछ अंदाजा होता है। एंड वाली लाइन में कहता है हाउ लॉन्ग विल द फूड नाउ लॉस्ट, वो खाना अब कितने दिन चलेगा। तो अब आप लोगों ने कैलकुलेशन 10 डेज के हिसाब से करने। अच्छा 1000 मैन 10 डेज, अब कितने मैन हो गए 1200, कितने डेज चलेगा x। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद है, मैं चलो आपको पहले इसका सोल्यूशन आपको बता दूं, फिर मैं आपको एक स्टूडेंट के आपको एक बात भी बताता हूं। ये आ गया 1000/1200 = x/10। ये बेटा देखे डबल जीरो कैंसिल, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 12x = 10 × 10 100, x = 100/12, x = 8.3 days। बेटा मुझे एग्जैक्टली याद है 2021 की बात है, ये जब मैंने चैप्टर जो करवाया था ना क्वेश्चंस, तो एग्जैक्टली मुझे ना एग्जैक्टली महीने डेढ़ बाद मुझे ना अपने एक स्टूडेंट की कॉल आई, हारिस स्टूडेंट है फैसलाबाद के हैं, ये इज अ वेरी ब्रिलियंट माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, उनकी मुझे कॉल है और उन्होंने मुझे जो उनकी जो वर्डिंग थी ना वो मैं आपको मैं बताता हूँ। उनकी वर्डिंग ये थी, वो कहते हैं कि सर अल्लाह आपका भला करे, आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये वाला क्वेश्चन आपने समझाया था। सर आज मैं एक पेपर में बैठा था और पेपर था AD एग्रीकल्चर के पेपर में, सर सेम टू सेम सर जी इसी तरह का कंसेप्ट मेरे क्वेश्चन में आया हुआ था, और सर अल्हम्दुलिल्लाह सर वो क्वेश्चन मेरे साथ ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आपने ये कंसेप्ट मुझे पहले का बताया हुआ था। अब वो क्वेश्चन उसने जो आया था ना पेपर, वो क्वेश्चन एज इट इज उसने मुझे शेयर किया हारिस भाई ने, और वो क्वेश्चन एज इट इज आगे मैंने अपनी बुक में मैंने फिर जो पब्लिश मेरी बुक हुई जो आपके अभी हाथ में मौजूद है, इस बुक के अंदर मैंने उसको ऐड कर दिया
क्वेश्चन नंबर 23 उसी पेपर में आया हुआ था, एडी एग्रीकल्चर के पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अब उसको देखते हैं कि उसमें कितने डेज वो कंज्यूम कर रहा है। 23 में कहता है अ प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी कंप्लीटेड। अब देखो ना वर्ड क्या यूज कर रहा है, कैन बी कंप्लीटेड, यानी कि कंफर्म नहीं है, उसने एक अंदाजा लगाया हुआ है, कैन बी कंप्लीटेड बाय 150 वर्कर एंड 40 डेज। उसने 40 दिन का उसने एक अंदाजा लगाया हुआ है, लेकिन उसको 40 दिन का उसको कंफर्म नहीं है। अच्छा फिर कहता है बट द प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉड 30 मोर वर्कर आफ्टर 16 डेज। जब उसमें से जब 16 दिन कंज्यूम हो गए, 16 दिन जब खर्च हो गए, तो 16 दिन के बाद 30 एम्प्लाई वो और भी आ गए। कहता है बताओ अब वही काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो अब आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन जो स्टार्ट लेना है, आपने 40 डेज से स्टार्ट नहीं लेना, आप कितने डेज से स्टार्ट लेंगे, अब आप इसको 24 डेज से स्टार्ट लेंगे। 40 में से 16 आप माइनस कर देंगे, अब आप इसको 24 डेज से स्टार्ट लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में आप लोगों की इक्वेशन आपकी ये बनेगी। 23 में यहाँ पे आ जाएंगे वर्कर और यहाँ पे आ जाएंगे डेज, यानी सिंपली आप ये बस याद रखना है जितने डेज कंज्यूम होंगे वो आपने माइनस करके अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 150 वर्कर 24 डेज, 40 के बजाय 40 माइनस 16 और अब हो गए 180 वर्कर्स, कितने डेज एक्स, इसका आप लोग आंसर आप लोग फाइंड आउट करोगे, खुद इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 20 डेज। और बच्चों ये जो कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे बेटा सेम टू सेम कंसेप्ट आपके 2017 के सीएसएस के पेपर में भी लगा हुआ है। 2017 का ये क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको देखिए इसमें क्या कहता है, ये आपको पूरा मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 24 नंबर कंप्लीटली आपको सॉल्व करवाता हूँ। 24 क्वेश्चन सीएसएस 2015 बेटा कोई मसला नहीं, आपको स्लाइड आपको शेयर हो जाएगी, डोंट वरी, स्लाइड आपको एज इट इज ये सेव हो रही है, साथ साथ स्लाइड ये एज इट इज बेटा आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा 24 देखिएगा, जो सीएसएस 2017 के पेपर में है, 24 में कहता है अ स्कूल हैज इनफ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 52 डेज। एक स्कूल में 52 डेज का खाना मौजूद है। अब उसने पहले आपको स्टार्ट पे उसने डेज की इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन उसने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने आपको नहीं बताए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने आपको बिल्कुल नहीं बताए, उसने सिर्फ उसने आपको 52 डेज का उसने बता दिया कि भाई 52 डेज के लिए खाना मौजूद है। अच्छा फिर कहता है आफ्टर 20 डेज, 20 दिन जब गुजर गए, अब आप लोग इसको कितने डेज आप इस्तेमाल करोगे, आपने क्वेश्चन को 52 डेज से स्टार्ट नहीं लेना, आप इस क्वेश्चन को कितने डेज से स्टार्ट लोगे, आप इसको स्टार्ट लोगे 32 डेज से, क्योंकि 20 डेज इसमें से कंज्यूम हो गए, आफ्टर 20 डेज मतलब 20 डेज इसमें से निकल गए। कहते हैं 20 डेज के बाद अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव्ड, 400 स्टूडेंट और भी आ गए, एंड द फूड वुड हैव लॉस्ट फॉर 24 डेज, और वही खाना अब 24 दिन चल जाएगा। अब उसका क्वेश्चन ये है, नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल एक्चुअली, आपने क्या मालूम करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो आप इसमें स्टूडेंट्स आप लोग राइट साइड पे लिखोगे और इसमें डेज आप लोग लेफ्ट साइड पे लिखोगे, और डेज जो है 52 से स्टार्ट नहीं लेंगे, आप 32 से स्टार्ट लेंगे, जैसा कि आपको 22 और 23 में आपको बता चुका हूं, जितने दिन कंज्यूम होंगे सिंपली आपने उनको माइनस कर देना है, ये क्वेश्चन आपका 32 से स्टार्ट होगा। मुझे को बताएगा शुरू पे स्टूडेंट कितने हैं शुरू पे, आपके पास स्टूडेंट है ही नहीं, शुरू पे आप लोगों ने एक्स आप लोगों ने स्टूडेंट लेट करने हैं, शुरू पे एक्स स्टूडेंट आपके पास है ही नहीं स्टूडेंट, शुरू पे उसने ये कहा कि भाई एक स्कूल में 52 डेज का खाना मौजूद है। अब ये सुपर वाला क्वेश्चन देखो ना, उसने कहा था ना 40 डेज के साथ 150 वर्कर, वहां पे वर्कर गिवन थे, इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन उसमें 1000 मैन 12 डेज 1000 मैन गिवन थे, यहाँ पे आप लोगों को लेबर गिवन ही नहीं, तो लेबर को आप लोगों ने एक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद कहता है 400 स्टूडेंट और भी है, तो अब कितने स्टूडेंट हो गए, अब हो जाएंगे x प्लस 400, पहले x थे तो अब हो गया x प्लस 400,
कहता है यही खाना अब 24 दिन चल जाता है, अब उसको कंफर्म हो गया 24 दिन का। अच्छा कहता है मुझे बताओ अब वहाँ पे एक्चुअल में कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, तो ये जो वैल्यू मालूम करें इसका एरो ऊपर इसका एरो नीचे, क्यों? डेज और स्टूडेंट आपस में क्या आएंगे? इनवर्स रिलेशन में। अच्छा मुझे यहाँ पे बताइएगा किसी स्टूडेंट के जेहन में ये कंफ्यूजन तो नहीं आ रही कि सर स्टूडेंट का एरो हमने ऊपर, क्योंकि एरो नीचे नहीं आना चाहिए, एक्स ऊपर है, किसी के जेहन में ये कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? मुझे आई कंफ्यूजन है। हाँ अब आप लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है, चाहे एक्स ऊपर हो चाहे एक्स नीचे हो, जो आपको मैंने रूल बताया, रूल क्या है, जो भी वैल्यू मालूम करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर रखना है, चाहे एक्स ऊपर है चाहे एक्स नीचे है, समझ आ गई? जो भी वैल्यू मालूम करनी है हमेशा उसका एरो आप लोगों ने ऊपर रखना है, राइट? अब ये देखें 32 से एरो स्टार्ट हुआ, 32/24 = यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ x+400/x। अब बच्चों इसको अगर आप लोग यहीं पे सॉल्व कर लेना 8 के पहाड़े पे, 8 4 8 3, आपके लिए काम बहुत इंतहाई आसान हो जाएगा। अब ये देखो ना आपको वैल्यू आएगी 4/3 = x+400/x। देखो एक चीज याद रखो, एग्जामिनर के लिए जितनी आसानियां करोगे आपको इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे देगा। आप उसको बड़ी बड़ी वैल्यूज में आप कैलकुलेशन आप करके आप उसको दोगे ना, हो सकता है वो उसको वो क्रॉस कर दो, तो माइट, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज में जितनी कैलकुलेशन करोगे वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, उसको समझने में फिर मुश्किल हो सकती है, उसको आसानी करो, उसके लिए कैलकुलेशन आप लोग आसान करके उसको शो करो। ये देखें ये आ गया 4x 3 × x+400, ये आ गया 4x = 3x+1200, ये आ गया 4x - 3x मीन्स, अच्छा इसको इधर लेके आओ पहले, 3x इधर आके माइनस हो गया, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 1200। अच्छा ये बेटा x की वैल्यू जो आपके पास 1200 है, ये मुझे बताएं x की वैल्यू आपके पास कौन सी वैल्यू थी? x की वैल्यू आपके पास कौन सी वैल्यू थी? x की वैल्यू आपके पास थी जो स्टार्ट पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ये जो कि हमें नहीं पता शुरू पे कितने स्टूडेंट थे। इसका मत, ये बेटा आपने किसी का माइक बेटा बार बार ऑन होता, आसिम बेटा माइक ऑफ करो, शुक्रिया। अच्छा अब ये देखें ये x की वैल्यू जो शुरू वाले स्टूडेंट कितने आए? 1200। मुझे आप एक बात बताएं, क्वेश्चन में अब ये पूछा जा रहा है नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, एक्चुअली नाउ अब वहां पे एक्चुअल में कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, तो मुझे को बता सकते हैं वहां पे स्कूल में एक्चुअली कितने स्टूडेंट हैं अब एट दिस टाइम वहां पे 1600 स्टूडेंट है, क्यों? x+400 का मतलब है कि x की जगह तो 1200 आ गया, 400 बाद में भी स्टूडेंट आया था, नाउ एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = 1600, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों? समझ आ गया जो आपके 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। बेटा आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन बेटा एक क्वेश्चन अभी जो 25 नंबर है ये मेरे बेटा आप लोग खुद करोगे, इंतहाई आसान सवाल दिया गया 2020 के पेपर में, ये बेटा आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे, कल बेशक आप लोग मुझे चेक भी करवा सकते हो। एक सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर रह गया 21, वो मैं बेटा आपको मैं करवा दूँ 21 नंबर, क्योंकि 21 इन सबसे टोटली डिफरेंट है, और 21 आप लोगों का एक तो ये वर्ल्ड टाइम के मॉक एग्जाम में भी आया हुआ है, दूसरा बेटा ये आप लोगों के फर्दर आगे पेपर्स में आ सकता है, ये FPSC के पास पेपर्स में भी आपको मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। में क्या कहता है इसको पढ़ते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। 21 कहता है इफ 3 men or 6 boys कैन डू अ वर्क इन 20 days, 3 men or 6 boys एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अच्छा फिर कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 men or 8 boys टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो बताओ यही अगर 6 men or 8 boys अगर काम को अगर कंप्लीट करें वो कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे? अब यहाँ पे आप लोगों ने जो
यहाँ पे अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन के निरेशन आप लोगों ने स्टेटमेंट को जो इस तरह समझना है, वो जो कह रहा है थ्री मैन और सिक्स बॉयज, मतलब थ्री मैन और सिक्स बॉयज ये काम को कंप्लीट करते हैं 20 डेज में। अच्छा अब वो दूसरी क्वेश्चन कहता है वही, अगर सिक्स मैन एंड एट, एंड कहते हैं प्लस को, सिक्स मैन और आठ बॉयज अगर काम को अगर शुरू करें तो वो कितनी देर में इसको कंप्लीट करेंगे। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन मेरा इस तरह नहीं हो सकता, मैन बॉयज और डेज इस तरह ये मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पे और की बात कर रहा है, कहीं पे एंड की बात कर रहा है। बेटा इनमें अब आप लोगों की पहले इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद बेटा आप लोग इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेकर आओगे। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए उसमें सबसे पहले आप लोगों ने उसमें थोड़ी सी अपने वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है, अब ये देखिएगा, मुझे आप एक बात बताएं, वो कहता है थ्री मैन और सिक्स बॉयज कंप्लीट 20 डेज, इसका मतलब थ्री मैन भी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, और इसकी नस्बत अगर बॉयज देखे जाए तो सिक्स बॉयज भी 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब यही है ना, थ्री मैन आर एट सिक्स बॉयज का मतलब क्या है, मैं एक मिनट ये इसको थोड़ा बड़े कर दूं, ओके आप ठीक है, थ्री मैन आर सिक्स बॉयज का मतलब क्या है, या तो तीन मर्द भी 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं या फिर छह लड़के भी 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एक और चीज की भी समझ आई कि अगर तीन मर्द भी 20 दिनों में, छह लड़के भी 20 दिन, इसका मतलब तीन मर्द छह लड़कों के बराबर काम करते हैं, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है ना, तीन मर्द भी 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं छह बॉयज, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थ्री मैन है ना ये सिक्स बॉयज के इक्वल काम करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी आपस में इक्वल है। अब यहां से आप लोग जरा एम की वैल्यू जरा निकालें, यहां से एम की वैल्यू क्या आएगी, एम इज इक्वल टू 6b/3, तो एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2b, यानी कि एक जो मर्द है वो दो बॉयज के बराबर काम करता है। अब यही एम की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसका आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जब आप एम की जगह जब आप 2b पुट करेंगे तो अब यहाँ पे एम की वैल्यू अब खत्म हो जाएगी, यानी इनमें से मैन अब मैंने खत्म कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ बॉयज की वैल्यू है। देखें 6 × 2 = 12b + 8b, तो ये हो गया 20b। अब मेरे पास मैन की वैल्यू खत्म होगी, अब सिर्फ बॉयज की वैल्यू आ गई। अब मेरे बेटा फिर मेरा वही क्वेश्चन वही बन गया, बॉयज और डेज, मैंने डेज मैंने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें पहले बॉयज कितने थे, 6 बॉयज, पहले डेज कितने थे 20, अब बॉयज कितने हैं 20 बॉयज, कितने डेज लगेंगे एक्स। ठीक है, फिर दोबारा आपको भी आपका क्वेश्चन बन गया, एरो ये ऊपर ये एरो नीचे। आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोगों ने एम की वैल्यू निकाल के आपने 2b पुट की, यहाँ पे आप एक बी की वैल्यू निकाल के आप बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपके पास फिर एम की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप लोग बॉयज को भी आप लोग इसमें आप लोग एलिमिनेट करके मैन की वैल्यू निकाल लें, मैन की वैल्यू जब पुट करेंगे तब भी आपका आंसर आपका सेम यही आएगा जो बॉयज के साथ आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, इसको अगर आप लोग सॉल्व करो तो इसका आंसर आपका 20 आपका आएगा, 6/20 = यहाँ से स्टार्ट हुआ x/20 10 डेज, ये बेटा आपके पास आएगा 20x = 20 × 6, ये बेटा x = 20 × 6/20, ये 20 20 से कैंसिल, तो बेटा 6 डेज आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, तो आई एम श्योर के मेरे बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को सारे आपको समझ आए होंगे, क्वेश्चन नंबर जो मैंने पहले आप लोगों को मैंने करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह क्वेश्चन नंबर फिर 8, 9 जो आपको मैंने करवाए, फिर उसके बाद ये 21 से लेके तो 24, 25 तक आपको सारे मैंने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सारे आप लोगों को समझ आए होंगे। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने बीच में जो स्किप जो करवाए हैं ना, ये मेरे बेटा अभी आप लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों ने खुद इनको सॉल्व करना है, इनको आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे दोबारा आप लोगों ने फिर डिस्कस कर लेने। ठीक है, ओके हो गया सर, एक क्वेश्चन है जी, एक मिनट प्लीज आप मुझे दीजिएगा, एक मिनट मैं क्वेश्चन आप लोगों के लेता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा।
अच्छा एक मिनट काइंडली आप लोग मुझे रहा, ये सेम मीटिंग आप मुझे दोबारा जरा ज्वाइन कीजिएगा, सेम मीटिंग ठीक है। मैंने इसको यूट्यूब पे मैंने इसको लाइव किया हुआ है वो, ताकि उसकी ताकि वो सेव हो जाए। आप लोग काइंडली एक दफ़ा लीव करके दोबारा आप लोग सेम आप लोग मुझे इसी लिंक पे आप लोग मुझे दोबारा